नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भाइयों बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बिहार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। बिहार की खबरों को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। बिहार में 10+ वैक्सीनेशन। बिहार में रविवार को 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया। कुल 2526 वैक्सीनेशन सेंटरों पर टीकाकरण अभियान चल रहा है। पहले ही दिन पोर्टल व्यवस्था में भारी कमियां सामने आई। पटना में मात्र 14 केंद्रों पर ही टीकाकरण हो सका। इसमें न्यू गार्डिनर रोड हॉस्पिटल, राजवंशी नगर हॉस्पिटल, गर्दनीबाग हॉस्पिटल, गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल, फतुहा और फुलवारी समेत 14 केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। वायरस तो शहाबुद्दीन के लिए राज्य टिकट डैमेज कंट्रोल। लालू की वर्चुअल मीटिंग में पूर्व सांसद को दी गई श्रद्धांजलि। उधर रीतलाल ने सिवान में ओसामा को तेजस्वी का संदेश दिया। लालू परिवार अब शहाबुद्दीन को मनाने में जुटा है। तभी तो आरजेडी की आज हुई वर्चुअल मीटिंग की शुरुआत शहाबुद्दीन को श्रद्धांजलि देने के साथ आई। इससे पहले आज ही तेजस्वी यादव के नज़दीकी और चहेते बाहुबली विधायक रीतलाल यादव ने सिवान पहुंचकर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मुलाकात की। माना जा रहा है कि यह मुलाकात डैमेज कंट्रोल करने के लिए, बाहुबली नेता के परिवार को मनाने के लिए बाहुबली नेता का उपयोग किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, छपरा में बकाया राशि मांगने गए युवक को पीट पीट कर मार डाला। लॉकडाउन में रोजगार हुआ ठप। गर्भवती पत्नी व बच्चों की भूख मिटाने के लिए ठेकेदार के पास अपने पैसे मांगने गया तो हुई हत्या। सारण में एक युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उसकी गलती केवल इतनी सी थी कि उसने अपने बच्चे व गर्भवती पत्नी को दो वक्त के भोजन देने के लिए बकाया मजदूरी की मांग की थी। मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना गढ़खा थाना क्षेत्र के सरगट्टी गाँव की है। वायरस तो बिहार में किसी को वैक्सीन के लिए घबराने और सेंटर पर भीड़ लगाने की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन को लेकर हर तरह की तैयारी कर चुका है। हर एक नागरिक को वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह बात कही है। मंत्री ने कहा है कि मई में वैक्सीन की 16 लाख और डोज पटना आ जाएगी। हर 2-3 दिन पर वैक्सीन की खेप आएगी, इसकी कोई कमी नहीं होगी। शनिवार को आए 3.5 लाख और अगले 20 दिन में 16 लाख डोज को मिलाकर कुल 19 लाख डोज इस महीने उपलब्ध हो जाएंगे। अगली खबर दोस्तों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में रह रहे वैसे लोग जिन्हें बिहार आना है उनके लिए काम की खबर है। कोरोना काल में घर आने के लिए रेलवे ने सिकंदराबाद से एक नई स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। यह स्पेशल ट्रेन नए रूट से चलेगी। सिकंदराबाद से चलकर रायपुर, बिलासपुर, रांची, धनबाद और जसीडीह होते हुए दानापुर आएगी और इसी रूट से जाएगी। इस स्पेशल ट्रेन का परिचालन सप्ताह में एक दिन किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों, पटना में पुलिस जीप का एक्सीडेंट। एमएलए अरुण सिन्हा के आवास के पास पोल से टकराई आरोपी को लेकर जा रही जीप। आरोपी महिला पुलिसकर्मी समेत 3 घायल। पटना में पुलिस की एक गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा गई। इसमें गाड़ी को चला रहा सिपाही, एक केस का आरोपी और उसे लेकर बैठी महिला सिपाही घायल हो गए। तीनों को सिर और शरीर के दूसरे हिस्सों में काफ़ी चोट आई है। गाड़ी के आगे का हिस्सा भी डैमेज हो गया है। रविवार को यह हादसा गांधी मैदान थाना के तहत छज्जू बाग इलाके में विधायक अरुण कुमार सिन्हा के सरकारी आवास के पास हुआ। अगली खबर दोस्तों, पटना के परसा बाजार में बगीचा की रखवाली कर रहे थे अपराधियों ने की निर्मम हत्या। विरोध में हंगामा। पटना के परसा बाजार में एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई। सुबह अपराधियों ने बुजुर्ग के सिर को ईंट से कूच दिया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आक्रोशित लोग शव को सड़क पर रखकर हंगामा करने लगे। लोगों का कहना था कि पुलिस जब तक हत्यारे को गिरफ्तार नहीं करती है तब तक शव यहीं रहेगा। वहीं दोस्तों, बिहार में 24 घंटे में 1,80,010 लोगों की जांच में 12,948 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह संख्या कम है लेकिन पटना में राहत नहीं है। एक दिन में पटना में 2,498 नए मामले सामने आए। राजधानी में बढ़ते मामले से पूरे प्रदेश की व्यवस्था प्रभावित है। स्वास्थ्य विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में नए मामलों में कमी हो सकती है क्योंकि जाँच बढ़ाने के बाद भी राज्य में आंकड़ों की कमी सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, बेगूसराय में ग्रेजुएशन के छात्र की गोली मारकर हत्या। बेगूसराय में अपराधियों ने बीए पार्ट टू के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। उसकी लाश को उसके ही घर में फेंक दिया। घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 गौरैया गांव की है। बिनेश्वरी यादव का पुत्र सुभाष कुमार यादव शनिवार शाम से ही घर से गायब था और रविवार सुबह उसके घर पर उसकी लाश मिली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं दोस्तों, 7 दिन में FIR नहीं तो हाईकोर्ट का रास्ता। एम्बुलेंस विवाद में DGP को लेटर लिख वकील ने कि सारण MP के खिलाफ कार्रवाई की मांग। 7 दिन बाद PIL फाइल करेंगे। जनहित याचिकाओं के लिए जाने जाने वाले
पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट मणिभूषण प्रताप सेंगर ने बिहार के डीजीपी से लेकर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल तक को एक लेटर ईमेल किया है। अपने लेटर में उन्होंने भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी, छपरा के डीएम, डीडीसी, सचिव, सिविल सर्जन और एम्बुलेंस मामले में शामिल दूसरे दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, आर्थिक अपराध और आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अगली खबर, समस्तीपुर में युवक का मर्डर, बाजितपुर में चमथा गांव के युवक की गोली मारकर हत्या, जमीन के विवाद में ले ली जान। समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में खूनी खेल हो गया। यहां की बाजितपुर पंचायत अंतर्गत बाढ़ 13 में चमथा दुर्गा मंदिर के पास देर रात बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। मृतक की पहचान बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा मांझेर खूट गाँव निवासी जंग बहादुर सिंह के 45 वर्षीय पुत्र वीरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। सावधान रहे, लॉकडाउन में चोर हो गए हैं एक्टिव, सन्नाटे का फायदा उठा रहे चोर। बांका में किराना दुकान से लूट ले गए नकदी सहित 3 लाख का सामान। बांका जिले में लॉकडाउन में चोरों की चांदी हो गई है। चोर लॉकडाउन के दौरान सन्नाटे का खूब फायदा उठा रहे। शहर में लगातार चोरी के मामले बढ़ गए और अहले सुबह चोरों ने शहर के शकुंतला मार्केट की एक किराना दुकान से नकदी सहित लाखों का सामान चोरी कर लिए। चोर दुकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर 3 लाख रुपये का सामान चोरी करके फरार हो गए। दोस्तों, कोरोना काल में राहत भरी खबर, एक दिन में जितने संक्रमित आ रहे उससे अधिक कोरोना को मात दे रहे हैं। 24 घंटे में 12,498 नए मामले आए, जबकि 14,262 लोगों ने कोरोना को मात दिया। इस माह कुल 9,611 नए संक्रमित आए हैं। दोस्तों, बिहार में 18+ वैक्सीनेशन को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक की। सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कल से 18 से 44 वर्ष के लोगों के वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूरी तैयारी रखे। वैक्सीनेशन सेंटर लोग तक लोग संक्रमित ना हो इसका ख्याल रखें। वैक्सीनेशन सुरक्षित माहौल में कराएं। दोस्तों, एम्बुलेंस मामले में पप्पू यादव पर एफआईआर, सारण में दर्ज एफआईआर में कहा पप्पू यादव ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की, लोगों से फिरौती मांगी, जान से मारने की धमकी दी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ सारण के अमनौर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह प्राथमिकी अवतार नगर थाना क्षेत्र के धनौरा गांव के पंचायत एम्बुलेंस संचालक समन्वयक राजन कुमार सिंह ने कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पप्पू यादव कोरोना महामारी में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए विश्व प्रभा सामुदायिक केंद्र आए और यहां खड़ी एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की है। वही दोस्तों, दहेज हत्या के आरोपी ने बेउर जेल में की आत्महत्या, पाइप से गमछी बांध झूल गया। ससुराल पक्ष से समझौता नहीं होने से आहत बेउर जेल में दहेज हत्या के आरोप में बंद कैदी मंतोष कुमार ने खुदकुशी कर ली। उसने पाइप में गमछी बांधी और उससे झूल गया। किसी की नज़र उस पर पड़ी, उसे आनंद फानंद में कारा अस्पताल ले जाया गया, फिर वहां से पीएमसीएच में एडमिट कराया गया, लेकिन 1:15 बजे उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में आज इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार की खबरों को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार के जिलों से जुड़ी, बिहार के गाँव से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी खबर लगातार मिलती रहे।